अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के थर्ड पॉइंट पे पहुंच गए हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और यहां से अब हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। अभी तक हम कुछ मैथमेटिक्स कर रहे थे, दो काम अभी तक हमने इस चैप्टर में कर लिया। नंबर वन, न्यू रेशियो कैलकुलेशन कर दी है, जिसके साथ ही हमने बोनस में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी सीखी थी। दूसरा, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात की, बट अकाउंटिंग की बात अभी तक नहीं हुई है। अब बात आज अकाउंटिंग की करेंगे, और आज हम जो गुडविल की कैलकुलेशन हमने किया है उसके थ्रू एक ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें अभी तक जो न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो और वैल्यूएशन गुडविल, तीनों पॉइंट हमने जो सीखे हैं, चारों पॉइंट सीखे हैं, सारे के सारे यूज हो। क्यों हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आपको इसकी बारीकी पता चले कि गुडविल का ट्रीटमेंट हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और स्टूडेंट जनरली इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं अगर आप कंसेप्ट के थ्रू करते हो। समझाने के लिए कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें मान के चल रहा हूं कि दो लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म शुरू की थी जिनके नाम थे ए एंड बी, बाद में इन्होंने एक सी को भी पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर लिया। लेकिन पहले ओल्ड पोजीशन बताता हूं कि ओल्ड सिचुएशन थी तो क्या था। जब ओल्ड फर्म थी तो उनकी एक ओल्ड रेशो थी, और मैं मान के चलता हूं कि ओल्ड रेशो 6:4 थी। वैसे इसको आप 3:2 भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के 6:4 लिखा है। इसका कारण आप समझ जाओगे जब मैं न्यू रेशो भी लिखूंगा। तो पहले सिर्फ दो ही लोग पार्टनर थे जिनकी रेशो 6:4 थी। अब नए पार्टनर के आने के बाद इनकी एक न्यू रेशो हो गई है, और न्यू रेशो जो होगी वो होगी 5:3:2। इसको मैं 3:2 लिख सकता, लेकिन मैंने 3:2 नहीं लिखा, मैंने इसको 6:4 लिखा। इसका खास एक कारण था, एक और एक शॉर्टकट तरीका तुम्हें बताने वाला हूं मैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग को जानने का। अगर ये रेशो बराबर है टोटल में, और चेक करो टोटल में बराबर है, बोलो बराबर है या नहीं है। ऊपर भी टोटल 10 है और नीचे भी टोटल 10 है, तो आपको सैक्रिफाइस और गेन के लिए कोई अलग से प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। यहीं से पता चल जाएगा किसका कितना शेयर छोटा हो गया और कितना शेयर बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी डिफरेंस निकालना जब दोनों वैल्यू बराबर हो। तो मुझे यहाँ पे अगर सैक्रिफाइस और गेन जानना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैक्रिफाइस या गेन तो मैं बिना किसी फार्ले के बता सकता हूँ। भाई एक का पहले 6 शेयर होता था और कितना रह गया 5, मतलब इस बेचारे को एक का सैक्रिफाइस हो गया। और इसका पहले शेयर कितना था, 4 था, इसका 3 ही रह गया, तो इस बेचारे को भी एक का सैक्रिफाइस हो गया। लेकिन सी का पहले 0 शेयर था और अब उसके पास 2 आ गए, तो 2 इसके अकाउंट में क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब ये इसको गेन हो गया। ये चीज हमने ऑलरेडी सीखी हुई है कि एक का सैक्रिफाइस ही दूसरे का गेन होता है, ऐसा हो नहीं सकता एक ने सैक्रिफाइस किया और दूसरे ने गेन ना किया हो। ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और अगर सैक्रिफाइसिंग की रेशियो पुकारी जाए तो क्या पुकारी जाएगी, 1:1, और ये जो नया पार्टनर है उसको हो गया है गेन। क्लियर है? अच्छा, एक हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की है, अब ट्रीटमेंट तो उसी का एक्सटेंशन है। मैं मान के चलता हूं इस फर्म की हमने गुडविल निकाली थी, फर्म्स गुडविल, और जो फर्म की गुडविल निकली है वो निकली है ₹2,00,000। अब इस गुडविल के क्या मायने, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, गुडविल पास्ट में कमाया हुआ प्रॉफिट होता है या फ्यूचर में जो कमाएंगे वो वाला प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएंगे, पास्ट में की हुई मेहनत के कारण भविष्य में जो प्रॉफिट आता है वो गुडविल होती है। बोलो, होती है नहीं होती? मेहनत हम पास्ट में कर चुके हैं, लेकिन हमारे ग्राहक उस पास्ट में मेहनत से क्रिएट हो गए हैं और उनसे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट रिसीव होगा, तो गुडविल है। अब यहां पे एक छोटा सा मुझे इस सवाल का जवाब देना, गुडविल हमने अगर बोला 2,00,000 रुपए की, आज ही आज हमने किसका एडमिशन किया, सी का एडमिशन तो आज ही किया, तो इसकी गुडविल के क्रिएशन में मेहनत कितने लोगों ने की थी? केवल ए और बी ने। और ए और बी ही अगर बिजनेस में बने रहते, सिर्फ ए और बी, तो सारा का सारा ये जो 2,00,000 रुपए का गुडविल माने फ्यूचर में जो प्रॉफिट आता, किस किस को मिलता? ये प्रॉफिट केवल ए और बी को मिलता। और बताओ कितना कितना मिलता? 6:4 की रेशो के हिसाब से इनको मिलता 1,20,000 और 80,000। ए और बी ने मेहनत की है तो वही उसके फल के हकदार है। बोलो, है या नहीं? लेकिन यहां पे हमने थोड़ा सा बिजनेस में एक मॉडिफिकेशन कर लिया, हमने सी को बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। कर लिया नहीं कर लिया? अब फर्म की गुडविल तो 2,00,000 है और सी ने उसके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, लेकिन कमाई हुई गुडविल के अंदर बताओ फ्यूचर में अगर प्रॉफिट बटेगा तो उसका भी कुछ हिस्सा होगा या नहीं होगा? तो फ्यूचर में यही गुडविल 2,00,000 रुपए की अगर होती है, हमारी कमाई हमारी 2,00,000 की, तो 2 में बटेगी या 3 में बटेगी? 3 में बटेगी। ए में भी बटेगी, ये बी में भी बटेगी और सी में भी बटेगी। बताओ ए को कितना शेयर मिलेगा? 5:3:2 के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा 1,00,000, इसको मिलेंगे 60,000
और इसके पास आ जाएंगे 40,000। अब एक छोटा सा मुझे बताओ, इस 40,000 रुपए का फायदा हमने सी को दे तो दिया, लेकिन सी ने इसके लिए मेहनत कितनी की है? सी तो उस समय था भी नहीं बिजनेस में जब गुडविल क्रिएट हो रही थी, बोलो हाँ के ना, सी नहीं था, लेकिन अब उसका हिस्सा आ गया। और इसके अकाउंट में जो सरप्लस हुआ है 40,000 रुपए, पूरे 40,000 का सरप्लस है, ये दो पार्टनर के प्रॉफिट से कट गया है। देखो ए को अगर सी ना आया होता तो 1,20,000 मिलता, इस बेचारे के पास कितना आ गया उसमें से, केवल 1,00,000 आ रहा है। अगर ध्यान से देखे तो इसके अकाउंट में से 20,000 रुपए टूट गए, बोलो टूट गए नहीं टूट गए। और इसके अकाउंट में देखो 80,000 आ रहे थे, 80,000 में से उसके अकाउंट में कितना आया है, सिर्फ 60,000। इसके अकाउंट से भी कितने पैसे टूट गए, 20,000, और यही टूट गए जो 20,000 वो इसके अकाउंट में कितने हो गए हैं, दोनों के 20,000 मिलकर 40,000। जबकि सी ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी उसको फायदा हुआ, बोलो हुआ नहीं हुआ? तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, ये नाइंसाफी हो जाएगी अगर हमने चोट खाए हुए पार्टनर को कॉम्पनसेशन नहीं दिलवाया। मेहनत अगर इनकी है तो उनको कॉम्पनसेशन पाने का हकदार है उससे जिन्होंने इसका प्रॉफिट खा लिया। और बताइए किसने इसका प्रॉफिट खा लिया है, सी ने। तो जब हम सी का एडमिशन करेंगे तो कैपिटल के पैसे तो 100% लेंगे, कैपिटल के पैसे तो उसका फर्ज है, लेकिन केवल कैपिटल के पैसे देना उसका फर्ज नहीं है, 40,000 रुपए कॉम्पनसेशन भी उसे देना पड़ेगा उन पार्टनर को जिन पार्टनर को नुकसान उठाना पड़ा है इसके एडमिशन के कारण। तो अगर मैं बोलूं कि सी की कैपिटल, सीज कैपिटल हमने डिसाइड कर ली, भाई सी तुझे कैपिटल देनी पड़ेगी और 3,00,000 रुपए की कैपिटल देनी पड़ेगी, तो सी को रियलिटी में 3,00,000 नहीं देने पड़ेंगे, 3,40,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, 3,00,000 तो उसकी कैपिटल और 40,000 जो फ्री के अंदर उसको प्रॉफिट मिलने वाला है उसका कॉम्पनसेशन। और ये पैसा हम सी से लेंगे और किनको दिलवा देंगे, ए और बी को दिलवा देंगे, क्योंकि उनको बेचारों को नुकसान हो गया ड्यू टू एडमिशन ऑफ सी। क्लियर है बात समझ में आ गई? तो अब हम ये जो काम हमने सीखा उसकी जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। और इस जर्नल एंट्री को बनाने में सबसे पहले एक जो हमारी जर्नल एंट्री होती है वो होती है चेक करने की कि क्या बैलेंस शीट में कोई गुडविल पहले से अपीयर तो नहीं कर रही है। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एंट्री होगी व्हेन गुडविल अकाउंट, या फिर इसको बोल देता हूं मैं इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। अगर हमारे पास गुडविल का अकाउंट पहले से बुक्स में अपीयर है, क्या मतलब है इस चीज को समझ लेना। कई बार जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उन क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में नहीं लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट जब दी होगी आपको, उस बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल का कुछ अमाउंट गिवन होगा। लाइक मैं मान के चलता हूं कि मैं क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें गुडविल का यहां पे अमाउंट 1,20,000 बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन है। और अब हमने एडमिशन कर लिया नए पार्टनर का, और अभी हमारी फर्म की गुडविल कितनी डिसाइड हुई है, 2,00,000 रुपए। तो जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है, हमारी जो फेवरेट चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयरिंग होती है उसको खत्म कर देते हैं। दो ट्रीटमेंट होंगे, मैं दोनों ट्रीटमेंट की बात करूंगा। पहली जो हमारी ट्रीटमेंट होती है उसमें क्या होते हैं कि हमें जो बैलेंस शीट में गुडविल पहले से अपीयर है उसको क्या कर दें, खत्म कर दें। एक ट्रीटमेंट और भी होती है कि हम इसे बैलेंस शीट में ऐसे ही छोड़ दें। दोनों ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूं और उन दोनों का असर क्या पड़ेगा उनकी भी बात करता हूं। नंबर वन ट्रीटमेंट वो है गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड, और दूसरा रहेगा गुडविल अकाउंट इज कॉन्टिन्यूड। दो आपके पास रस्ते हैं जिससे आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इस बैलेंस शीट में पड़ी हुई गुडविल का कर सकते हैं। हमारा फेवरेट हमेशा क्या होगा, गुडविल अकाउंट को क्या कर दे, क्लोज कर दे। अभी दो मिनट बताता हूं कि ये फेवरेट हमारा क्यों होता है। गुडविल के अकाउंट को बंद कर दो। गुडविल हमारी एक असेट है, और ध्यान रखना ये काम एडमिशन से पहले कर देना। अभी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हुआ, हमने उसके एडमिशन से पहले चेक कर लिया भैया गुडविल बैलेंस शीट में है या नहीं है, और हमें गुडविल बैलेंस शीट में कितनी नजर आ गई, 1,20,000। अभी मार्केट में गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई है, 2,00,000। उसके एडमिशन से पहले ही इसका ट्रीटमेंट करना होगा जो भी आपने डिसाइड किया। और हमारा फेवरेट होता है इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो गुडविल टेक्निकली एक असेट है, और जितनी भी असेट होती है उन सबका कौन से टाइप का बैलेंस होता है अकाउंट्स में, डेबिट। अगर आपने इसे डेबिट किया तो बड़ा हो जाएगा इसका बैलेंस, और क्रेडिट किया तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मुझे खत्म ही करना है तो कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, पूरे 1,20,000 इस क्वेश्चन में। और डेबिट भी किसी को करना पड़ेगा, जिनकी गुडविल उन्हीं को डेबिट करूंगा। और किनकी गुडविल है, ये
ए और बी, सी का तो भी एडमिशन भी नहीं हुआ, तो अगर मुझसे अभी पूछा जाए कि ये वाला ट्रीटमेंट कर दो, गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी ओल्ड पार्टनर्स तुम डेबिट हो जाओ और गुडविल अकाउंट तुम क्रेडिट हो जाओ। कितनी वैल्यू से क्रेडिट हो जाओ? जितनी बैलेंस शीट में अपीयरिंग वैल्यू है। और कौन सी रेशो में डेबिट हो जाओ? अभी तक तो एडमिशन हुआ ही नहीं, तो ना तो सैक्रिफाइसिंग की कोई बात उठ सकती है ना न्यू रेशो की बात। अभी तो केवल एक ही रेशो तुम्हारे पास है। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। जो भी ओल्ड रेशो है 6:4 एग्जांपल में, उसी का इस्तेमाल हो सकता है। और कोई रेशो यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकती क्योंकि एडमिशन कहाँ हुआ है। क्लियर बात समझ में आ गई? ये हमारी फेवरेट चॉइस होगी। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल है, फौरन उसे क्या कर दो? क्लोज कर दो, एडमिशन होने से पहले कर देना। दूसरी चॉइस आपके पास ये भी है कि आप गुडविल का अकाउंट कंटिन्यू कर दो, जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो। अब सोचो अगर मैं कहूं कि जब भाई पड़ी है इसको पड़ी रहने दो, 1,20,000 पहले से लिखा है इसको छोड़ दो, छोड़ने की भी कोई जर्नल एंट्री होती क्या? हटानी होती तो जर्नल एंट्री करनी पड़ती। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो इसका आपको कोई भी एंट्री फिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गुडविल का अकाउंट कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगली एंट्री में इस दोनों में से जो सा भी आपने ट्रीटमेंट किया उसका फर्क पड़ेगा, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये हमारी फेवरेट चॉइस होती है। दूसरा होगा अब नए पार्टनर का एडमिशन करना है। अब मांगेंगे पैसे, भाई नोट गिन के लेकर आप। और किस चीज किसके पैसे मांगेंगे? कैपिटल के पैसे मांगेंगे, एग्जाम्पल के अंदर कितने? 3,00,000। और थोड़े से पैसे गुडविल के भी मांगेंगे। गुडविल के कितने पैसे मांगेंगे? 40,000 रुपया। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड ही ब्रिंग्स कैश। जब नए पार्टनर को हमने एडमिट कर लिया और उसे क्या मांग लिया? पैसा मांग लिया। क्या एंट्री होगी भैया? पैसा बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से पेमेंट आ जाए तो क्या आ जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम चलें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,40,000। सबको समझ में आ गया 3,40,000 कैसे है? 3,00,000 तो कैपिटल के एग्जाम्पल में, और 40,000 पे प्रीमियम। ये 40,000 इसको मैं प्रीमियम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुडविल की वजह से उसे कुछ फालतू पैसे दें। जिस चीज के अंदर आपको फालतू पेमेंट करनी पड़ती है उसी को बोलते हैं प्रीमियम, और जब कम पैसे देने पड़ते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट। 10 रुपए की चीज 9 में मिल जाए तो 1 रुपए का डिस्काउंट, और 10 रुपए की चीज 11 रुपए में मिले तो 1 रुपए का प्रीमियम। तो क्योंकि उसे 40,000 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, 3,40,000। टू, कौन देगा भाई पैसा? ये नया पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में फिगर डालेंगे। कौन सा अमाउंट लिखेंगे? जो कैपिटल का पोर्शन है वो लिखेंगे, कैपिटल अमाउंट। एग्जांपल के हिसाब से कैपिटल कितनी देगा वो? 3,00,000। थोड़ा सा पैसा हमने और फालतू का मांग लिया, रिश्वत समझ लो तुम, प्रीमियम बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसे बोलेंगे हम क्या भाई? पैसा प्रीमियम का दिया उसने। किस चीज का प्रीमियम मांगा हमने? प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने कहा भाई गुडविल है हमारी इसलिए प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना पैसा? 40,000। अच्छा 40,000 निकला कैसे था ये जब बताओ। हमारी फर्म की गुडविल थी 2,00,000, हमने 2,00,000 रुपए का उससे प्रीमियम नहीं मांगा, केवल कितना मांगा? 40,000। 40,000 ही क्यों मांगा? कैसे निकला ये 40,000? सर उसका हिस्सा ही 40,000 निकला, हमने उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2,00,000 रुपए की गुडविल है लेकिन 3 लोगों में बटी नहीं, तो ए को भी मिला, बी को भी मिला, सी को मिला, तो जो सी के हिस्से प्रॉफिट आया सिर्फ उतना ही कॉम्पनसेशन दूसरे लोगों को दिलवाना है। एक का गेन दूसरे का सेक्रीफाइस, तो सी को जो गेन हुआ दूसरे का सैक्रिफाइस, तो सी को कितना गेन हुआ उतना ही हमने प्रीमियम उससे वसूला। पूरी फर्म की गुडविल उससे नहीं ले लेनी है, सिर्फ उतना पोर्शन जितना उसको गेन हुआ। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हिज शेयर इन गुडविल। क्लियर है? हिज शेयर इन गुडविल। तो फर्म की गुडविल है 2,00,000 और उसका शेयर यहां से डायरेक्ट भी निकाला सकता है। 2,00,000 का 2/10 करें तो कितना होता है? 40,000। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब जा समझ लेना, ये ट्रीटमेंट आप तब कर सकते हो जब आपने ये वाली चॉइस यूज की हो। आप उसे 40,000 मांगने के हकदार तभी हैं जब आपने गुडविल का अकाउंट पूरी तरह से यहां से फिनिश कर रखे। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बैलेंस शीट में गुडविल के नाम से एंट्री तभी कर सकते हैं जब आपने गुडविल खरीदी है। अगर आपने गुडविल मेहनत करके क्रिएट किया तो आप गुडविल के नाम से बैलेंस शीट में एंट्री नहीं कर सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती है। अगर आप मेहनत करके गुडविल क्रिएट करते हैं तो एक आपकी इंटेंजिबल असेट क्रिएट होगी, लेकिन उसको नाम से नहीं दिखा सकते। यहां पे केवल खरीदी हुई गुडविल दिखाई जाती है। खरीदी हुई गुडविल कौन सी होती है? मैं कहता हूं कि से तुम्हें एक दुकान खोलनी थी,
तुम ढूंढ रहे थे मार्केट में कोई दुकान मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए, और जिस चीज का तुम कारोबार करना चाहते थे उसी टाइप का एक बिजनेस बंद हो रहा था। तुम पहुंच गए उसके पास और जाके बोला कि देखो जी आपकी दुकान जमी जमाई है, आप एज इट इज ये दुकान मुझे दे दो, हमें इसी काम की दुकान खोलनी है, आप ये दुकान बंद कर रहे हो, मैं ये दुकान खोलना चाहता हूं। उसने वैसे तो वो प्रॉपर्टी या दुकान बेचनी थी 50 लाख रुपए की, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम सेम ट्रेड में बिजनेस करना चाहते हो, तुम्हें 50 लाख में नहीं देगा, किसी और को दे देगा 50, तुमसे कहेगा भाई तुम्हें अगर खरीदनी है तो मैं 52 लाख रुपए लूंगा तुमसे। क्यों? अरे मेरे कस्टमर भी तुम्हारे को आ जाएंगे जब तुम सेम प्लेस पे दुकान खोलोगे, तो मैंने इतने टाइम से जो कस्टमर का बेस बनाया वो कल को तुम्हारे पास शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम अगर मेरा बिजनेस खरीदो तो 50 लाख के बदले कितने पैसे लूंगा मैं? 52 लाख रुपए। 2 लाख रुपए जो फालतू मांग रहा है ये है पेड गुडविल, खरीदी हुई गुडविल, इसे बैलेंस शीट में आने का हक है। लेकिन अगर तुम सेल्फ मेहनत करके गुडविल क्रिएट करते हो तो बैलेंस शीट में आने का उसे हक नहीं है। अब ध्यान रखना, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल है 1,20,000 की, कब आ सकती है? अब ये समझ में आ गया होगा, ये मेहनत करके नहीं बनाई गई बल्कि क्या की गई है? खरीदी गई है, तभी ये बैलेंस शीट में आ पाई है, वरना आना इसका संभव ही नहीं है। और पार्टनर, नया पार्टनर तेरे आप लोगों को जो पैसे देगा वो सिर्फ उस गुडविल के पैसे देगा जो आपने सेल्फ क्रिएट किया। कौन से गुडविल के पैसे देगा? जो सेल्फ क्रिएट किया। तो अगर तुमने बैलेंस शीट में 1,20,000 की गुडविल छोड़ दी और एडमिशन के वक्त गुडविल बताओ कितने की हो गई है? 2 लाख। तो बताओ तुमने मेहनत करके कितने की गुडविल क्रिएट किया है? केवल 80,000 रुपए की, 2 लाख की नहीं अब, क्योंकि 1,20,000 की तो बैलेंस शीट में थी खरीदी हुई, और अब गुडविल कितने में पहुंच गई? 2 लाख। तो केवल 80,000 रुपए तुम्हारी मेहनत की गुडविल है, ले लो उसका 2/10, क्योंकि वो तो 2/10 ही देगा। और अब अगर 80,000 का मैं निकालूं 2/10 तो कितना बना? ये बना केवल 16,000। तो बताओ तुम 16,000 लेना चाहोगे नए पार्टनर से या 40,000 लेना चाहोगे? 16 के 40, सर 40 ही लेना चाहेंगे। तो फिर उसके आने से पहले से बैलेंस शीट से नामो निशान मिटा दो, जीरो हो जाएगी। तो कैसा इफेक्ट आएगा? जीरो बैलेंस से 2 लाख, तो 2 लाख का आपको शेयर मिलेगा 1/5, 2/10 माने 1/5। अगर तुम कहते हो चलो इसकी आधी गुडविल हटा देते तो आधी की एंट्री हो जाएगी वाली, लेकिन बैलेंस शीट में कितनी दिखेगी? आधी दिखेगी। नया पार्टनर देगा नहीं अब 2 लाख रुपए का, 1/5 या 2/10 कितने का देगा? 1,40,000 का। वो कहेगा जी मैं आया था तो 1,60,000 रुपए की बैलेंस शीट में थी गुडविल, ये परचेज गुडविल है, अब कितने की गुडविल हो गई है? 2 लाख रुपए की, 1,40,000 की बढ़ोतरी हुई है, उसका 2/10 मेरे से ले लो। बात समझ आ गई? जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी पेमेंट की एंट्री पार्टनर नहीं देगा, जो परचेज गुडविल है उसकी पेमेंट वो नहीं करेगा, जो सेल्फ जनरेटेड होगी उसकी वो पेमेंट करेगा, वो भी अपने हिस्से के। इसलिए हमारी फेवरेट चॉइस क्या होती है कि हम गुडविल को खत्म कर दें। अगर खत्म नहीं करोगे गुडविल के पूरे पैसे आपको फिर रिसीव नहीं होंगे, पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई? तो मैं इसे बोल सकता हूं हिज शेयर इन गुडविल की बजाय इन इंक्रीज ऑफ गुडविल, गुडविल में जो इंक्रीज हो गया बैलेंस शीट के बाद उसमें, और अगर बैलेंस शीट गुडविल तुमने हटा दिया तो 100% इंक्रीज में उसे गिनती कर ली जाएगी। फिर अगली एंट्री, जैसे ही नया पार्टनर पैसे दे दे, ये तो भाई उसकी कैपिटल का पैसा है, यहाँ पे फिलहाल हमने से कितने पैसे मांगने हैं? 40,000 मांगने हैं। क्या करेंगे इस 40,000 का? क्यों मांग रहे हैं 40,000? दो पार्टनर्स ने इसके एडमिशन के वक्त चोट खाई है। किस किस ने? ए और बी ने, उनको मरहम पट्टी करनी है, 40,000 उसी के लिए आए हैं। तो अगली एंट्री में आप क्या करेंगे? फॉर अमाउंट पेड फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर ने गुडविल का जितना पैसा पेड कर दिया है उसकी एंट्री होगी। और ये देखो ये पड़ा वो पैसा कौन सी साइड में पड़ा हुआ है? क्रेडिट साइड में। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पता चल चुका है, सी से लेकर ए और बी को देना है। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्रेडिट वाला अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट खत्म करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे जैसे फिलहाल 40,000, टू कौन से पार्टनर को मिल जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। अच्छा किस हिसाब से मिलेगा ये? यहाँ पे ध्यान रखना, जिसने जितनी गहरी चोट खाई है उसको उतनी ज्यादा मरहम पट्टी की जरूरत होगी। यहाँ पर ये मत पूछना तुम्हारी ओल्ड रेशो क्या है, ये भी मत पूछना तुम्हारी चोट कितनी लगी थी और वहां पे कितनी है सैक्रिफाइसिंग रेशो,
1:1. तो यहां पे तुम जो बंटवारा करोगे तो चोट की रेशो में 1:1 में करोगे, मतलब कौन सी रेशो? सैक्रिफाइजिंग रेशो। अगर मैं इसको 1:1 में बांटूं तो दोनों पार्टनर को कितना कितना मिलेगा? 20,000 और 20,000। देखो यहां से इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां से देख लो 20,000 का नुकसान हुआ था, तुम बीसी लेने का क्या? अगर बाई चांस मैं कहता हूं कि सारा का सारा सैक्रिफाइस ए ने क्या होता, बी ने कोई सैक्रिफाइस ना किया होता, तुम सारा का सारा पैसा किसको दिलवाएंगे? ए को दिलवाएंगे। जो पैसा कॉम्पनसेशन का है वो समझ लो मरहम पट्टी है, और मरहम पट्टी तो सिर्फ चोट खाए पार्टनर को ही दी जाएगी। इसके अंदर कोई सी रेशो ना ओल्ड चलेगी ना न्यू चलेगी, इसमें कौन सी रेशो चलेगी? हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो चलेगी। क्लियर है कब कौन सी रेशो यूज करनी है? अच्छा एक और, अब कभी 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 क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनर गुडविल का पैसा फिलहाल नहीं दे पा रहे, कितने पैसे देने हैं फिलहाल वैसे उसे इस एग्जांपल के अंदर 40,000। पार्टनर कह रहे जी मैं आ गया हूं अभी, मेरे से 25,000 पे ले लो, बाकी पैसा मैं बाद में दे दूंगा। तो अभी फिलहाल वो 3,40,000 की बजाय कितना पैसा लेकर आया? 3,25,000। कितना पैसा छूट गया हमारा? कितना पैसा छूट गया हमारा? 15,000 छूट गया। चलो कोई बात नहीं, जितना पैसा आ गया, 25,000 तो आ गया ना, जितना भी पैसा प्रेम का आएगा उतना हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, 12.5-12.5। लेकिन हमारे 15,000 उसने नहीं दिया, उसके लिए तब आपको एंट्री बनानी पड़ेगी इफ प्रीमियम इज नॉट पेड बाय न्यू पार्टनर। अगर नए पार्टनर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो पूरे अमाउंट 40,000 से एंट्री बनेगी, अगर कुछ पोर्शन नहीं दिया तो उस पोर्शन की एंट्री बनेगी जितना पोर्शन उसने नहीं दिया। क्या करेंगे भैया? ओल्ड पार्टनर को तो कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, अभी प्रीमियम पर गुडविल बटा, अगर गुडविल का पैसा नहीं तो हम क्या करेंगे? सीज करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, सी की जगह इसको बोल देता हूं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम उसका करंट अकाउंट, ठीक है कल तू दे दियो पैसे, परसों दे दियो, अभी फिलहाल जो पैसे तेरे छूट गए वो क्या कर देते, तेरे करंट अकाउंट में डेबिट कर देते, तेरे से पैसे वसूलने हैं। कितने पैसे वसूलने हैं? 15,000, 40,000 की बात हुई थी, 25 तूने दे दिए 15,000, तू 20 देगा 20,000, तू 10 देगा 30,000। या फिर कभी कभी पार्टनर कह सकते हैं नहीं जी नहीं, कैपिटल का पैसा उसी से काट लो, हम नहीं वेट करेंगे, तुम्हें पैसा देना था तुम लेकर आए तो अच्छी बात है कर, नहीं लेकर आए तो जो कैपिटल का पैसा तो तुमने जमा करा है, देखो कैपिटल का पैसा तो जब दिया है उसमें से काटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट भी आप यूज कर सकते हैं, पैसा तो उसे देना पड़ेगा, अगर वो फ्यूचर में देने का टाइम दे रहे तो किस में डाल देंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और नहीं तुम अगर टाइम देना चाहते तो कहां से चार्ज कर लेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, लेकिन पैसे पूरे 40 के 40 की बात होगी। और ये भी कॉम्पनसेशन का पैसा तो किनको बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। और कौन सी रेशियो में बांटेंगे? तो चोट का पैसा, तो कौन सी रेशियो बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा। कभी भी ध्यान से समझ लें, जो भी प्रीमियम का पैसा आएगा, कॉम्पनसेशन का पैसा आएगा, वो हमेशा ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। बताओ अगर 15,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो एयरबी में बांट दो तो कितना कितना हो जाएगा? 7.5 और 7.5। और चेक करो यहां से 12.5 और यहां से 7.5, बोलो 20 पूरे हो गए नहीं हो गए? 20 ही तो दिलवाने थे इनको, अगर पैसा दे दिया तो एक ही झटके में 20 चले जाते, पैसा तुमने नहीं दिया लेकिन तब भी मैंने दिलवाया उनको 20 से। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक आखिरी सिचुएशन इसमें और हो सकती है, वो मैं यहां पे अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है कभी कभी ओल्ड पार्टनर ये जो प्रीमियम का पैसा उनको रिसीव हुआ है, सिचुएशन नंबर 5 है। देखो हमने इन पार्टनर को कॉम्पनसेशन दिया है, भाई नया पार्टनर आया, एडमिशन हुआ, सैक्रिफाइस हो गया तुम्हारे को, कितना कितना कॉम्पनसेशन दिलवाया, 40,000 का कॉम्पनसेशन अल्टीमेटली लिया गया उससे, और 20,000 दोनों को दे दिया गया। लेकिन ध्यान रखना ये उनको मिला है लेकिन अभी वो खर्च नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि से मैंने तुम्हें कोई पेमेंट करनी थी, और पेमेंट करनी थी मैंने वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में NEFT ट्रांसफर कर दी, बैंक ट्रांसफर हो गया, लेकिन तुम्हें घर के पड़ोस में कोई दुकानदार है उसकी कोई पेमेंट करनी है जो कि चेक वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसकी पेमेंट करने के लिए जबकि तुम्हारे बैंक में पैसा है उसकी पेमेंट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर ATM से पैसे निकाल लेंगे उसको दे देंगे, पैसा तो हमारे पास पहुंच गया लेकिन कभी कभी उसे यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है तब आप यूज कर सकते हैं, आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन पैसा जब तक यूज करना जब तक उसे निकाले नहीं तब तक यूज नहीं कर सकते। तो हमने इनको कॉम्पनसेशन दे दिया लेकिन अभी यूज नहीं कर सकते, कब ये यूज कर पाएंगे? जब ये अपनी कैपिटल में से पैसा निकाले, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स करना। तो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा कि ओल्ड पार्टनर ने, इफ ओल्ड पार्टनर्स
विथड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम का पैसा वो निकाले, निकालने का मतलब कैपिटल में तो पहुंच गया पैसा, बिजनेस से पैसा निकाले, कैश निकाल के अपने घर ले जाए ताकि अपनी लाइफ में उसे यूज कर सके। और ऐसे सिचुएशन में जो भी रिसीवर होगा, हो सकता है ए को पैसे की जरूरत है, भैया ए तू निकाल ले, बी को नहीं जरूरत, बी नहीं निकालेगा, बी को जरूरत है बी भी निकाल सकता है, इसकी कोई रेशो नहीं होती। जिस पार्टनर को गुडविल मिली है उसको हम डेबिट कर देंगे और उसको कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। ये तभी एंट्री करनी जब वो विड्रॉ करने के लिए बोले, वरना उसके अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है, अब उसकी मर्जी की बात है, जब मर्जी वो ड्रॉइंग कर सकता है और पैसे अपने परिवार के ऊपर खर्च करने के लिए निकाल सकता है। ए को जरूरत है ए के लिए एंट्री करेंगे, बी को जरूरत है बी के लिए एंट्री करेंगे, दोनों को जरूरत है दोनों के लिए एंट्री करेंगे। पूरे पैसे की भी एंट्री हो सकती है, कम पैसे की भी एंट्री हो सकती है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और किसी भी क्वेश्चन में ये सारी सिचुएशन वो एक साथ नहीं देगा, किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन बनेगा फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री का, बाकी एंट्री नहीं होगी। कोई दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें फर्स्ट एंट्री होगी, थर्ड एंट्री होगी, मतलब सेकंड एंट्री होगी और उसके बाद सीधी फोर्थ एंट्री हो जाएगी। हर क्वेश्चन में इसका कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेगा, लेकिन जो सिचुएशन टोटल होंगी वो ये पांच सिचुएशन होंगी, इन पांच सिचुएशन के बाहर से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, नए इस बार आपकी जो बुक है उसके अंदर एक नई चीज और ऐड कर दी गई है जो कि थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले ये वाला सारा का सारा ट्रीटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया। जो कि एक आपकी बुक में एक इसमें और ट्रीटमेंट भी गिवन है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो वायलेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप केवल कौन सी गुडविल बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, जो परचेज की हुई है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिखा जा सकता, मतलब आप गुडविल का अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, डेबिट अगर कर दिया आपने गुडविल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट उसमें दिया उन्होंने इसको थोड़ा सा जो है डाइल्यूट कर दिया है, थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ कर दिया, वो कहते हैं कि हम गुडविल को रेज करते हैं और उसी वक्त रिटर्न ऑफ कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी गिवन है कि गुडविल को रेज करो और रिटर्न, रेज करने का मतलब है गुडविल का अकाउंट क्रिएट करो और फिर कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ कर दो, तो हमने वायलेशन नहीं किया अकाउंटिंग, लेकिन क्रिएट किया ही क्यों जब तुम्हें इसे राइट ऑफ करना था। वैसे मैं बता दूं कि क्रिएट करके अगर आप राइट ऑफ करोगे तो वो हमेशा इसी ट्रीटमेंट के बराबर होगा जो हमने यहाँ पे किया है, जिसके अंदर हमने सॉरी ये वाला ट्रीटमेंट नहीं, जो थर्ड एंट्री हमने की है, जो ट्रीटमेंट गुडविल की एंट्री उसके बराबर होगा, जिसके अंदर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। रेज करके राइट ऑफ करने में आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, पहली एंट्री होगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। हम कहते हैं जी सबसे पहले ओल्ड रेशियो के अंदर गुडविल को रेज करें, मतलब क्रिएट करें, क्रिएट करने का मतलब गुडविल को हमने प्लस कर दिया और फिर फौरन उतने ही अमाउंट को हम राइट ऑफ कर दें। और राइट ऑफ जब करेंगे तो हमारी एंट्री उल्टी हो जाएगी, लेकिन यहां पे सभी पार्टनर को ध्यान में रखा जाएगा, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उतनी ही वैल्यू, सेम वैल्यू, फुल वैल्यू, ये भी 2 लाख रुपए से और ये भी 2 लाख से, एग्जाम्पल के अंदर 2 लाख वैल्यू चल रही है, लेकिन यहां पर ऑल पार्टनर आ गए, ऑल पार्टनर केवल एक ही रेशियो में हो सकते हैं, केवल एक ही रेशो में ऑल पार्टनर, कौन सी, न्यू रेशो। और एक तरह से हमने गुडविल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ओल्ड माइनस न्यू, एक तरह से ये प्लस है और ये माइनस है, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू क्या होता है, सैक्रिफाइस एंड गेन। तो अगर आपने ऐसा किया, पहले रेज किया और फिर रेटो किया, तो ये ऑलवेज इक्वल टू दिस ट्रीटमेंट कन्वर्ट हो जाता है, ऑलवेज, क्योंकि ओल्ड रेशो में आपने उसको प्लस किया और माइनस क्या कर दिया उसमें से, न्यू रेशो, मतलब ओल्ड में से अगर न्यू में माइनस करूं तो क्या बचेगा, या तो सैक्रिफाइस या तो गेन, और सैक्रिफाइस गेन की तो पूरी कहानी चल रही है। तो ये वाला ट्रीटमेंट आपकी बुक में और गिवन है, जिसमें कहते हैं गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करो, ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना रेज राइट ऑफ के भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ये इक्वल टू दिस ट्रीटमेंट ही है, कोई एडिशनल चीज इसमें नहीं है। क्लियर है बात ये?